top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी से सिम लेते हैं और ये एक्टिवेट करा लेते हैं फर्जी आईडीज पे, और उसके बाद किसी भी आदमी को, क्योंकि उसमें इनको 50 रूपये 55 रूपये, कहीं 100 रूपये या कहीं 150 रूपये ज्यादा मिल जाते हैं, तो इस छोटे से लालच में ये इन सिम को बेच देते हैं। जो कोई अपराधी या कोई और इंसर्जेंट या कोई टेररिस्ट कोई भी यूज कर सकता है, इससे देश की सुरक्षा को या अपराधी जगत में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसको यूज करके समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुकान ये लोग घूम के बेचते हुए पकड़े गए। सर देश को में थाना पुलिस जो सेक्टर 24 की, उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से आइडिया, वोडाफोन और एयरसेल के प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद किए हैं। प्री एक्टिवेटेड सिम किसी के पास कभी नहीं होने चाहिए लीगली, ये एक अवैधानिक कार्य है। किसी भी सिम के एक्टिवेशन का एक लीगल प्रोसीजर है, उसमें एक पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये उस प्रक्रिया को बगैर किए हुए अवैध रूप से इन सिम को बेच रहे थे 4 लोग। इसमें इन 4 लोगों के साथ साथ जो रिटेलर है जिसने इनको बेचा है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी का जो एम्प्लॉई है जिसने इनको एक्टिवेट किया है, सभी लोगों की सांठगांठ प्रतीत होती है और सभी लोगों को की लायबिलिटी इसमें फिक्स की जाएगी। नोएडा पुलिस की तरफ से डीओटी को और ट्राई को भी लिखा जाएगा कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो प्री एक्टिवेटेड सिम खुले आम बाजार में बिकवा रहे हैं। इनको ये जानकारी नहीं है कि कौन अपराधी है। इनको तो जो पैसे देगा 150 रूपये में ये सिम बेच देते हैं, तो इनको तो कोई भी 150 रूपये जो देगा उसको प्री एक्टिवेटेड सिम दे देंगे। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि वो आदमी अपराधी है या कौन है, उसकी कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्टिवेटेड सिम है। ये आज तक के सहन तुम्हारे सीओ साहब कहाँ हैं? कहें कहाँ है मतलब? सुभाष बाबूजी नहीं अंदर आ सकते हैं? कोई मेहंदी लगा रखी हो ना? आईडी पे प्री एक्टिवेटेड सिम किसी हाल में नहीं हो सकता। इतनी प्रोसीजर होने के बाद जो डीओटी की गाइडलाइंस हैं, लीगल प्रक्रिया ये है। इसका तो जोशी है, इसमें रिटेलर भी मुलजिम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी मुलजिम है, इसमें कंपनी भी।